हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसे कि कल मैंने आपको INR वाले वीडियो में बताया था कि मैं वीकली एनालिसिस पोस्ट करने वाला हूँ, सो हेयर इट इज़। जैसे कि आप देख सकते हो, इट्स अ डेली चार्ट गोल्ड का डेली चार्ट है। यह है 1349 का हाई जो गोल्ड ने बनाया था, और यह है 1281 के हाईज 1281 के लोज आई मीन 8180 के लोज जो गोल्ड ने लास्ट वीक बनाए थे। उसके बाद गोल्ड ऑलमोस्ट $1301 तक कल गया था, फ्राइडे को आई मीन। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने इंट्राडे रेजिस्टेंस $1302 का दिया था, मार्केट ने उसे क्रॉस नहीं किया अगर आपको याद हो तो, और वहीं से मार्केट 1298-1297 तक चला गया। मेन रीजन गोल्ड का अपसाइड का ये था कि जो नॉन फार्म पेरोल का डाटा है वो बहुत ही बुरा आया था। यूजुअली 1.5-2 लाख जॉब्स ऐड होते हैं US में हर महीने, बट उसका डाटा 20,000 आया था जो कि बहुत ही बुरा था। मार्केट का इम्पैक्ट उसमें इतना ज़्यादा इसीलिए नहीं आया बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट US का घट गया है, इसलिए मार्केट में उतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना आना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में जब फेड की मीटिंग होगी तो मुझे लग रहा है कि रेट हाइक शायद डिले हो जाए। रेट हाइक डिलेज होंगे तो उससे गोल्ड पे असर पड़ेगा और गोल्ड पॉजिटिव हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं वापस से अब कहना शुरू कर रहा हूँ इस वीडियो से कि गोल्ड में सेलिंग थोड़ा संभाल के करें। गोल्ड में अभी बहुत अपसाइड बाकी है, 1280 के नीचे जाएगा तभी फ्रेश सेलिंग आएगी, अदरवाइज गोल्ड में पॉजिटिव ही अप चलेंगे। गोल्ड वुड बी पॉजिटिव अंटिल इट्स होल्डिंग $1280। लेट्स हैव अ लुक एट सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस वीक। इस वीक का गोल्ड का सपोर्ट रहेगा $1275, बहुत ही मेजर सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे गोल्ड ने क्लोजिंग दे दिया तो $1200 भी जा सकता है। गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा $1319 तो है, बट आप $3-4 ऊपर ही मान के चलिएगा क्योंकि फेड का मीटिंग आने वाला है, तो 1325 तक मान के चलिएगा रेजिस्टेंस ही है गोल्ड के चार्ट में। 1325 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो तक 1325 के डॉलर अगर 1325 डॉलर के ऊपर अगर मार्केट में क्लोजिंग हो गया तो 1350 और 1380 भी जा सकता है गोल्ड। लेकिन 1370 का जो हर्डल है वो क्रॉस करना ज़रूरी है गोल्ड के लिए, अगर गोल्ड में $100-200 की और बाइंग अगर आएगी तो। चलिए, इसकी ये तो आगे का अपडेट है, मैं आपको देता रहूँगा, रोज़ ही मैं वीडियो बनाता हूँ ऑलमोस्ट। ट्रेंड अभी इसका फिलहाल वीक ही है, बट अभी इसका ट्रेंड रिवर्सल ऑलमोस्ट होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा सेलिंग थोड़ा ना करें। मैं इंट्राडे वीडियोस बनाता रहता हूँ तो उसमें आपको मैं रोज़ ट्रेंड अपडेट देता रहूँगा, तो प्लीज़ इसमें सेलिंग थोड़ा संभाल के करें। चलिए सिल्वर देख लेते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। फ्राइडे को इसमें MCX में हमारा बाई था, कॉमेक्स में भी बाई था, दोनों में ऑलमोस्ट टारगेट आ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे डबल टॉप बना था, अगर आपको याद हो लास्ट वीक का वीडियो, डबल टॉप बना था, यहाँ इसकी नेक लाइन थी, नेक लाइन से थोड़ा नीचे तो गया है, लस्सी कहाँ तक गया था, ये नेक लाइन इसकी पूरी हुई और ये लो गया था 1508-1504-1497 तक गया, लेकिन उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है और अभी 1530 चला गया है। मेजर डेटा जो फ्राइडे को आया था उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी पुश आया है, इसलिए ये जो पैटर्न है इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसमें अभी कोई सेलिंग नहीं लेंगे हम, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बुरा डेटा आया था और गोल्ड भी ऑलमोस्ट $1300 चला गया था इसमें, इसलिए वापस से सेलिंग नहीं करेंगे हम। ये भी हम बाइंग में ही कोशिश करेंगे कि डिप्स में बाइंग करें, बाकी इंट्राडे आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको इंट्राडे का आइडिया आ जाएगा। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। सिल्वर का सपोर्ट रहेगा 1490 जो उसने अभी तक नहीं तोड़ा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इसके नीचे ही मार्केट में वीकनेस आएगी, अदरवाइज इसमें कोई वीकनेस नहीं है। इसका रेजिस्टेंस रहेगा 1585 का रेजिस्टेंस, सिल्वर का रेजिस्टेंस क्रॉस कर सकता है क्योंकि मार्केट में बाइंग आई थी तो सिल्वर ज़्यादा भागा था, क्योंकि सिल्वर काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा था, इनफैक्ट 1490 तक भी नहीं गया वो, जबकि गोल्ड ने 1290 तोड़ दिया था। चलिए क्रूड ऑयल के लेवल्स आपको दिखा देता हूँ। यह है WTI क्रूड ऑयल का चार्ट, मोर और लेस सेम ही है, मार्केट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो $1-2-3 का ही रेंज है पूरे वीक में, तो इसमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, थोड़े से लेवल्स चेंज हो गए हैं। चलिए मैं आपको दे देता हूँ, इसमें इस वीक का रेजिस्टेंस रहेगा, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस रहेगा 5820 का, सपोर्ट रहेगा 5380 का। ध्यान रखिएगा ये भी रेंज बाउंड हो रहा है, अगर रेंज तोड़ता है तो काफ़ी इसमें अपसाइड और डाउनसाइड भी आ सकता है,
और जब तक ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं तोड़ रहा है तब तक बाई डिप्स कर सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंट्राडे मूवमेंट। फिलहाल इसमें कोई इतना ज़बरदस्त ट्रेंड उठापटक नहीं हो रही है, जब होगी तब हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करो, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ज़रूरी रहेगा कि आप इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करें, ना कि वीकली। वीकली जो होता है वो पोजिशन ट्रेड्स के लिए होता है। पोजिशन ट्रेड में अभी फ्री दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे, अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। पेड सर्विस के लिए भी यही व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहो तो इस पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हो। चलिए कल वापस से इंट्राडे लेवल्स और अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।